नाम सर, मैं हूं मैं। आप देखें डिस्को एंटरटेनमेंट चैनल, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। तो आज भाई बहुत ही ज़्यादा हम एक ज़बरदस्त मूवी का सीन लेकर आए हैं, अल्लू अर्जुन की मूवी। क्या यार इसका नाम बहुत ही ज़्यादा अल्लाह वाले को पता नहीं क्या इस तरह से कुछ नाम है। उसमें पूजा भी है और अल्लू अर्जुन है। ये मास एक्शन सीन है, वो देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो कैंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं छोटी नहीं लग रहा है। हेलो अर्जुन, इसमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल लग रहा है, बाल जरा बड़े बड़े रखे हुए हैं। यार नहीं என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சார், உங்களுக்கு எது ஓரா தெரியல? அவர் கம்பெனில ஷேர் வேணும், அவர் போர்டில் பிளேஸ் வேணும், முடிஞ்ச அவரோட சேர் கூட வேணும், ஆனா அவர் யாருன்னு தெரியாது. தி ஃபவுண்டர் ஏ ஆர் கே ஃபவுண்டர் அவங்க. உன்னை யாரா உள்ள விட்டது? அவ்வளவு ஈஸியா யா சார் உள்ள விட்டா? மதுரை வரைக்கும் ஃப்ளைட்ல வந்தா, தூத்துக்குடி வரைக்கும் கார்ல வந்தா, இங்க வரதுக்குள்ள அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் மேல கைய வச்சது யாரு? ஒவ்வொரு வருஷமும் 25-30 கோடி ரூபாய்க்கு பிசினஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இலாஜ் ஷாய் மில்லே சபோ உடாய் சீன் सबकी तो लाइफ सब वो है, किसी को बोलने का मौका नहीं। क्या बात, इन्होंने बेइज्जती की। ओए यार ये क्या सीन था, मजा आ गया। कहिए बच्चे यार, पूछते हैं किसने किया, किस है मेरी उम्र में ना, कहिए किसने किया ये? नहीं यार बता नहीं रहा कोई। नहीं हां नहीं हां सबकी तो लाइव हो रही है। क्या वो जल्दी से कुछ कर रहे हैं ना अपनी जान बचाने के लिए। ये लगा टी सर स्पेशल है, उसने कहा ये बेटा सर कुल कुल रुको यार सर கைய வச்சது யாரு? ஐயா சாமி வந்ததுல இருந்து யார் யாருன்னு எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. பெரியவனா பெரிய பயல்வனா, 10 பேசன் தள்ளி விடுறதுக்கு தள்ளி விட்டது ஒருத்த, அவனை எப்படி நீங்க தலையில நட்டு வச்சீங்க? ஆமா சார் நீங்களே பாருங்க சார். என்ன பாக்குறீங்க, எழுந்துருங்க,
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்படி போயிட்டு அப்படி வந்தீங்க நான் குத்துக்கல மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆகுதுல்ல நீங்க என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கா ஓஹோ சரிதான் அங்க நம்ம இளவரசனுக்கு பேச வராது இந்த இளவரசனுக்கு பேச எதுவும் இல்லை செம்ம ஜோடி சைலண்ட் மூவி சூப்பர் ஸ்டார் சைலண்ட் மூவி சூப்பர் ஸ்டார் தண்ணியில மிதக்க வேண்டிய கப்பல் தரையில மிதந்து வருது கார் ராது அது தெரியுது பேர் என்ன ஆர் ஆரா என்ன சார் இது ராஜமௌலி சினிமா டைட்டில் மாதிரி இருக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ்டா ஓய் ஆகி மாலை என்ன கான்ட்ராஸ்டா இருக்கீங்க தலைவா இந்த காருக்கு இருக்கிற கிளாஸுக்கும் உங்க மாசுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா பாங்க ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்குவோம் கொடை நல்லா இருக்கு இதை வெயிலுக்கும் மழைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் மல்டி பர்பஸ் யூஸரை பார்த்துட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு உங்களை மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக்காக சுட்ட வராது கண்ணா பின்னானு குத்துது உங்க கேரக்டர் ஊருக்கே தெரியும் என் கேரக்டர் இனிமே தான் பார்க்க போறேன் வைக்கப்படாதீங்க கண்டிப்பா நைஸ் நம்ம போட்டுக்கு வந்து உனக்கு வார்னிங் கொடுத்துட்டு போறான் வார்னிங் கொடுத்த கையோட அவங்க கம்பெனி சேரையும் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்க வாங்கி விடுவாங்க जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग का सीन था यहाँ पे ये बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं ये इनकी नकल उतार के बोलते हैं मैं करैक्टर भी तुम्हारी तरह करैक्टर में रहता है तो इनका बेटा ये जो होता है ना इनको मतलब मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है क्योंकि आपको पता बिजनेस होता है तो बिजनेस में वो आगे चले जाते हैं तो लेकिन दुश्मन बन जाते हैं लेकिन वो उनके दादाजी होते हैं भाई दादाजी को वो किसने हाथ लगाया बताओ किसने हाथ लगाया वो जो कमीज होती है जो उन्होंने पहना था कुर्ता जो था उस पर ऐसे लात मारी होती है तो इस तरह से उनको गिरा देते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ जाएगा इसमें जरा ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि बाल जरा बड़े खूबसूरत बहुत ज्यादा लग रहे थे ना थोड़ा स्टाइलिश और ज्यादा क्योंकि इनका नाम स्टाइलिश हीरो है तो और ज्यादा स्टाइलिश लग रहे लोग पसंद भी इनका यही स्टाइल करते हैं कि जरा ये कॉमेडी भी साथ साथ करें और सही बात है ये स्लोमो में जो एक्शन करते हैं ना मार के उसी टाइम ऊपर आ रहे दो तीन सीन ऐसे हुए थे जब इन्होंने ना जमीन के साथ लग के फिर ऐसे ऊपर आए जो ऐसे जैसे मतलब रबड़ लगी है जमीन पे उछल के ऊपर फिर से आ गए ऐसा फील हुआ मजा आ गया यार सीन देख के इनका एक्शन ही अलग किस्म का होता है अभी हम वो है ना विजय थलपति उनका देखते हैं उनका थोड़ा अलग स्टाइल है इनका देखते हैं इनका स्लोमो वाले बहुत ज्यादा स्टाइल दिखाते हैं जो मतलब एकदम से मार के तो चलते हैं जिस स्टाइल जैसे ये अभी भाग रहे थे तो साथ साथ में सभी को मारी जा रहे थे तो ये स्टाइल का बहुत ज्यादा फेमस है जो कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है अट्रैक्टिव लगता है और इनकी जो मूवी अभी आने वाली है ना यार वो मूवी बड़ी कमाल की जो पुष्पा का पार्ट 2 आने वाला एक जो हमने देख लिया ना लेकिन दूसरा उसकी ही स्टोरी आगे जाएगी तो वो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि पिछली स्टोरी में तो ये थोड़े मतलब होते हैं ना गरीब आगे वाले में तो ये अमीर हो जाते हैं और आगे और भी स्टोरी चलेगी लेकिन ये मूवी जिस जिसने देखी है उसको पता ही होगा इस मूवी की भी कॉपी बॉलीवुड वालों ने बनाई है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं था लगा लेकिन इनकी ये मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की जिस जिसने देखी थी वो वाकिफ होगा कि ये मूवी क्या कमाल की है भाई मज़ा आ गया ये सीन देख के अगर आप इस तरह किसी और मूवी के सीन पर रिएक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फिर मिलते हैं कौन मिलेंगे